प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुरे मन की बात प्रोग्राम के 3 अक्टूबर की पूरे जांगन जान दस बरे प्रोग्राम की इस मकाम तोड़ी ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन ते प्रसार भारती दी कीती सराहना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के त्रीय के खीरी गेड़ अज खत्म हो गया चुनाव प्रचार पहली अक्टूबर की पाए जांगन वोट ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਕਰਦੀ ਬੰਨੇ ਪਾਰਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ नमस्कार मैं हरजिंदर सिंह डोगरी खबरें तुंका स्वागत है ते उन पेशन खबरां विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन दा मन की बात रेडियो कार्यक्रम 3 अक्टूबर की 10 बरे पूरे करा करदा है कराएं उन्हें श्रोताए दा आभार प्रकट किया ते आख्या ए जो इदे असल सूत्रधार मन की बात ते आज एक 14वें अंक च प्रधानमंत्री मोदी और आकाशवाणी दूरदर्शन ते प्रसार भारती जुड़े दे लोगों दी सराहना की आख्या जे उन्हें अंतक जतने करी मन की बात कार्यक्रम ने ऐड़ा महत्व संगे मिल मील हासिल किया उन्हें टीवी वी चैनलें प्रिंट मीडिया यूट्यूब आ भी धन्यवाद किया जिन्हें मन की बात कार्यक्रम प्रसारित त्यौहार दे आंद मौसम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो नरातें करने रंभ हो अगले दो महीने पाठ व्रत त्यौहार खुशियों का माहौल चबख्या बने रग उन्हें आंद त्यौहार की मुबारकबाद दी सभी लोगों की भी सराहना करूंगा उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आख्या जे भारत मेक इन इंडिया आली पहलकदमी करी निर्माण दा केंद्र बनी गया है उन्हें आख्या जे गरीब मध्यम वर्ग के सूक्ष्म लघु ते मध्य स्तर के उद्यमें इस अभियान बड़ा मता फायदा करदा है ते एदे यदि हर वर्ग दे लोगें गी अपनी प्रतिभा दसने का मौका हासिल हुआ है आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम की एक सौ कड़ी च बोलते हुए प्रधानमंत्री और मेक इन इंडिया दी सफलता दा की सफलता का जिक्र किया तो आख्या जिस इस अभियान की कामयाबी च के बड़े ते निके दुकानदारें का दा योगदान शामिल है देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है अब हम मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं पहली है क्वालिटी यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों दूसरी है वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बारे दो अक्टूबर की स्वच्छ भारत मिशन दी दस बरे पूरे करने की सफलता को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री और आख्या जे ए मिशन जिशन कामयाबी है जे वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र च मशहूर होता है उन्हें आख्या ज लोग घटाने पर इस्तेमाल करने ते बार बार इस्तेमाल करने यानी रिड्यूज रीयूज रीसाइकिल गल करा कर हैं उन्हें इस मुहिम की मिशन च तब्दील करने वाले की सराहना की प्रधानमंत्री और आख्या जे महात्मा गांधी हो भी सची श्रद्धांजलि है जिन्हें अपना पूरा जीवन इस पेठा समर्पित कर है नहीं होता है युगों युगों युगो तक निरंतर करने वाला काम है ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता तब तक करने का काम है मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार दोस्तों पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता जम्मू कश्मीर च विधानसभा चुनाए के त्रीय के खीरी गेड़ चुनाव प्रचार अज सं खत्म हो गया इस मरहे तहत चाली असैंबली हल्क चा मंगलवार वोट पाए जांगन। इदे सीटा जा सोलह सीट कश्मीर खित्ते च ते चौबीस जम्मू खित्ते च जम्मू कश्मीर च दे चुनाव त्रं मरहलें करवाए जाते हैं पहले मरहे च काट प्रतिशत दुएंजा प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया वोटें गतरी अट्ठ अक्टूबर की उधमपुर जिले च मौजूद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चौं हल जिथे परसों वोट पाए जाने अंज चुनाव कर्मियों की छह पेशगी टीमें अपने अपने मतदान केंद्री रवाना करी दा गया है जिसे चनैनी भी शामिल है जिले च चुनाव कराने लिए सभ्य प्रबंध पूरे करी ले गए हैं चनैनी के एसडीएम गुरदेव कुमार और दस ज सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध गए आज हमारी तीन पोलिंग पार्टीज जो हैं यहां से डिस्पैच की गई हैं एक अक्टूबर को इलेक्शंस हैं ये तीन पार्टी जो है हमारी पी माइनस टू हैं दो दिन पहले जिनको हम भेज रहे हैं वो हैं पोलिंग स्टेशन नंबर एक सौ और एक आपके इस चैनल के माध्यम से जिन लोगों को तक हमारी ये सूचना पहुंच सकती है सभी लोगों से ये हमारी प्रार्थना है कि इलेक्शन के दिन घर से निकलें वोट करें और चुनैनी को 100 परसेंट पर पहुँचाना है सभी लोग वोट करें ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਈ ਦੇ ਤ੍ਰਿ ਮਹਿਰਲੇ ਦੇ سلسلے ਚ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਛੇ ਹਲਕੇ ਬਣੀ ਬਲੌਰ ਬਸੋਲੀ ਜਸਰੋਟਾ ਇਰਾਨਗਰ ਤੇ ਕਠੂਆ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਪੰਜਗ੍ਰਿਤ ਮਤਦਾਤਾਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤਰੀ 56679 ਹੈ ਜਿਦੇ ਚ 241256 ਮਹਿਲਾ ਮਤਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ 704 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏਦਨ जिला चुनाव अफसर नागेश सिंह और ईवीएम ते चुनाव संबंधी दुए उपकरण सख्त सुरक्षा प्रबंध तहत रवाना किए गए हमारे यहां ओवरऑल 704 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें बनी में 94 पोलिंग स्टेशन हैं 94 हमने पार्टीज भेज दी हैं प्लस उनके साथ रिजर्व भी हैं इलेक्शन को एक फेयर वे से करने के लिए डी ओ साहब ने बोले एक किस्म का एफ एस टी और एस एस टी टीम उनको तैनात करके रखी हैं, जो ट्वेंटी फोर बाई सेवन अपना काम कर रही हैं हमें उम्मीद है कि ये जो इलेक्शन है एक फेयर तरीके से होंगे और बड़े पुरमन तरीके से होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के त्रीय खीरी गेड़ तहत साम्बा जिले में मौजूद चुनावी हल्के च मतदान कराने की तैयारियां खीरी दौर च जिले में मौजूद त्रौ चुनावी हल्कें रामगढ़ सांबा और विजयपुर दो लख संजीकृत मतदाता इ लख सताई हजार दो सौ काहठ महिला मतदाता शामिल नाइन पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हमने ग्रीन का दर्जा दिया है बॉर्डर पोलिंग स्टेशन एक हमने डिफाइन किया है जहाँ पर एक बंकर भी बना है और इसके अलावा तीन हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं जो यूनिक पोलिंग स्टेशन हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है सांबा के वोटर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बढ़ चढ़ के डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में आके पार्टिसिपेट करें एक अक्टूबर सुबह सात बजे से शाम के छः बजे तक वोट डालने का टाइम है आप आएँ आपका स्वागत है इन पोलिंग पे ये क्योंकि ये आपकी हिस्सेदारी है आपका एक राइट भी है और आपकी एक ड्यूटी भी है वोट कास्ट करना ਬਦਰਵਾਇ ਲਾਕੇਚ ਦੂਰਦਰੇੜੇ ਪਾੜੀ ਖੇਤਰੇ ਚਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਗੁਜਰਬਕਰਵਾਲ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਸਾਂਭਾ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੇਤ 8 ਲੇ ਲਾਕੇਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਦੇ ਮਤਵ ਕੀ ਸਮਝੀ ਚੁੱਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਦੇ ਇਹ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 8 ਲੇ ਲਾਕੇਚ ਆਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾਂ प्रोग्राम तो है वोट नहीं पूरे दूरदर्शन देता हम लोग आया तमने हमने भी अपील की चलो वोट देना वोट देना जरूरी है वहाँ वोट के लिए निकले इसलिए हम रोड रोड में चल रहे हैं जहाँ गाड़ी मिलेगी वोट डालने को जाएंगे हमने दस पंद्रह दिन के बाद पूजना था आमने से बोट वास्ते दस्ती गड्डी मंगाई है आमने जा बोट सटन कोई त्रि चालीस है मारा आमने मोड़ गया वापस माल को आज का जो ये पहल है जो जम्मू कश्मीर में डीडी न्यूज की पहल है ये बहुत सराहनीय और ये तारीख में सुनहरे हल्फ में रकम की जाएगी इन दुर्गम पहाड़ों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ लगातार सफर में रहने वाले बकरवाल जनजाति तक पहुंच उन्हें अपने मत के अधिकार के लिए प्रेरित कर डीडी न्यूज जम्मू ने स्वीप अभियान को नया आयाम दिया है दो समाचार के लिए भद्रवा के बासक चल्ला से ताहिर नदीम खानी सबसे ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟੇ ਲਈ ਤਨਾਤ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨੇ ਦੀ ਕੱਲ ਜਮੂਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੋਰਾਵਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਲੱਗੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬੀਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂਪ੍ਰੀਅ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੁੰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਯਾਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਬੈਠਕ ਚ 11 ਸੀਟੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਕਰਦੇ 109 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜ਼ नोटिस जारी किया जा करता है ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਨੇ ਪਾਰ ਆਤੰਗਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਨਾਸੀਮੇ اجلاس 기 ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕੇ ਬਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤਨਾਜੇ ਦਾ ਅਲਕਿਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਏ ਉਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਥਮਾ ਆਤੰਗਵਾਦ ਕਰਨੇ जुड़ाव की खत्म करना विदेश मंत्री होर गंडी मुल्क की यह आखते हुए नुक्ताचीनी की पाकिस्तान के माड़े मनसूबे होने मुल्क पर खास करी पड़ोसियों पर असर it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिजम पॉलिसी विल ने एंड इट कैन हैव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंप्यूनिटी ऑनट्री एक्शन जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग ने असेंबली चुनाए दौरान ग्रीन स्वीप पहलकदमी तहत नब्बे असेंबली हल्के च एक लख बूटे लाने का लक्ष्य हासिल करी लेता है ਅਇਤੋੜੀ ਕੁਲ 13223 ਬੂਟੇ ਲਾਏਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਕੇ ਪੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਾਂ ਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਾਂ ਚ ಮತਦਾਨ ਕੇਂਦਰੇ ਪਰ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਕਸ਼ਯ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦਮਪੁਰ ਤੇ ਪੁਨਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ಮತਦਾਨ ਕੇਂਦਰੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਿਸਲਾ ਕੇ ਡੋਡਾ ਤੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਓਰੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਸਤੇ ਬਚਾਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਖ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪੁਨਛੇਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਵਾ ਸੇਵਾਏ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਕ ਵਿੱਚ ਆਸਿਆ ਰਾਹੁਲ ਦਰविड़ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੰਨ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਮੋਹਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੋਹਨ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। से सफाई सफाई अभियान जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंच में करवाया गया चाहे वो इंडोर या आउटडोर जितने भी पैरिफी इलाका है उसमें जो है सफाई का अभियान कराया गया तो मेरी तमाम और भी लोगों से गुजारिश है कि वो आ, सेवा के तहत जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें मकसद ये है कि प्लेयर्स को स्पोर्ट्स के साथ साथ आ, इन प्रोग्राम्स के साथ भी जोड़ा जाए यहाँ पर पिछले चार साल से यहाँ यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था जिसके तहत मतलब सेवा में सीख सीख प्रोग्राम का नाम था उसके तहत हम इन्होंने मतलब हमें ये चीज़ें बताई कि हमें जो है खेल के साथ साथ लोगों की सेवा भी करनी चाहिए और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए तुई स्वच्छता पखवाड़े तहत बड़गाम कश्मीर च भी सीआरपीएफ के तकरीबन डेढ़ लाख जवान के अफसरों के अलावा दस हजार स्वयंसेविएं भी स्कूलें दुइए सार्वजनिक थारें पर चलाए गए व्यापक स्वच्छता अभियान अपना योगदान दाता इस दौरान आले दुआले शिक्षा संस्थाने साफ सफाई की गई ज विद्यार्थी भी शामिल हुए ਡੋਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਨੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੋਡਾ ਦੇ ਪਤਰਵਾਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐ ਆਰਟੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੇਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਾਨੇ ਆਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਿਆਨ ਦੇ ਮੱਤ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੀਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਕੀ ਨਗਰ ਰਥਮਾਰੂ ਕਾ ਬੈਂਗੀ ਟਾਣੇ ਤਾਂ ਆ उन्हें सबने मुलका महकमें की सिड़क सुरक्षा उपाय की बनाई रखने रफ्तार की सीमा पर निगरानी रखने सड़कें की मुरम्मत खराब बुनियादी ढांचे की फौरी तौर पर दुरुस्त करने का आहवान दे, दे नमस्कार।